ABC are points in XY plane so that AC is equal to 3BC. Then ABC is a unique triangle. There can be only two such triangles, or no such triangle is possible. There is in fact D our answer. आपको ए बी एंड ए बी गिवन ना, रुको, ए बी गिवन, सी नॉट गिवन। अच्छा, एंड एस सी इज इक्वल टू 3BC। AC is equal to 3 times of BC. कितना हो सकता है? एक तो इधर एक होगा तो इधर साइड से एक होगा, दो पॉइंट तो ऐसा पक्का तो हो रहा है, ठीक है। AB given, चेक कर लो। बट ऐसे बहुत सारे होगा तो ना। हाँ सर, इनफाइनाइट तक जा सकते। इनफाइनाइट कैसे होगा? जैसे सपोज AC इज इक्वल टू 3BC। हाँ इसका दो मिला, इसका मतलब सिमेट्रिक पॉइंट मिलेगा। और ऐसे रख सकते कि AC हाँ ऐसे। हाँ सर, व्हिच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BC, फिर इसका सिमेट्रिक मिलेगा। ऐसे तो बहुत हाँ सारे सर, इनफाइनाइट नंबर सच केस। इनफाइनाइट। और फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मैं क्वेश्चन करता हूँ, फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच other three vertices are two comma eight minus three comma सर आप खुद से क्वेश्चन दे रहे हो ये वाला? हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। कुछ रख दो, लेट अस टेक माइनस वन माइनस फोर, ठीक है। फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अब बताइए क्या होगा। फिर स्लोप से कर सकते ना ये वाला? जैसे ही करो, मुझे आंसर चाहिए। सर 10/3 और -3, मतलब वो कोऑर्डिनेट्स। सर 4, -1। फोर कॉमा माइनस वन आ रहा सर। हाँ सर, सॉरी सर, वो 10, -3 हटा दो सर। हाँ सर, राइट है, 4, -1।
ओके सर, दो होने चाहिए ना, और दो होने चाहिए, और क्या होगा? तो दूसरे पॉइंट करना मार्क्स। और क्या होगा बताओ सर, चार ही तो होंगे ना? नहीं मतलब वो बोल रहा है एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो दो पॉइंट और तीन रहते, एक्चुअल में तीन पॉइंट रहते ना। हां एक्चुअली तीन रहते हैं। एक्चुअली तीन मिलेगा। हां सर तीन मिलता है। तो ये एक्चुअली ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था, तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन जो वर्टाइसेस दिया गया ये आपको ऑर्डर में दिया गया, ठीक है? इफ आई कंसीडर दिस थ्री आर इन ऑर्डर, ऑर्डर इन ऑर्डर होगा तो फिर आपका एक ही पॉइंट मिलेगा। हाँ सर ठीक है। ये तीनों ऑर्डर में दिया जाएगा, मतलब आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये ऑर्डर में दिया जाएगा तो देन यू विल गेट ओनली वन पॉइंट। तो इधर तीन आएंगे ना? नहीं इधर एक केस में ऐसा ऑर्डर मेंशन नहीं है तो आपको तीन लेना पड़ेगा। मतलब ये सपोज ए बी सी डी, तो मैं ए ऑर्डर में रखता हूँ पॉइंट को, तो ये पॉइंट के लिए क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। सपोज ए बी सी, तो आपका बी डी का मिड पॉइंट जो होगा ए सी का मिड पॉइंट वही होगा। हाँ सर ऐसे किया। What is your AC का mid point? मैं इसको x का half और two half AC का mid point half comma two same as आपका x minus three by two comma y plus five by two आप ये दोनों के साथ compare करोगे then x minus three equal to one x is equal to four and y plus five equal to four then y is equal to minus one, ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है? सपोज इसका ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ, तो इधर minus one minus four रखता हूँ और ये minus three five रखता हूँ, तो फिर आपका आंसर अलग होगा। हाँ सर ठीक है। इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? minus one by two one three by plus one zero हो जाएगा। ओके और एक 13 प्लस 4 17 होगा, और इधर ये चेंज कर देता हूं, मतलब एक पॉइंट पर आप तीनों पॉइंट को घुमाओगे। जब यहाँ पे मैं 2.8 रखता हूँ और इधर -1.4 रखता हूँ तब क्या होगा? -4 -2 -6 होगा कमा 9 -8 1। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो दिस इज द पैरेललोग्राम एबीसीडी। इफ दिस पॉइंट इज द x1 कॉमा y1, this is point x2 comma y2, this one x3 comma y3, and this one x4 comma y4. A order में रहेगा तो if this three given, what is the d? तो आपको क्या मिल रहा है? x1 plus x3 upon 2 is equal to x2 plus x4 upon 2. ये मिल रहा है ना? हाँ। AC का mid point, BD का mid point same होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला डालेंगे तो x1 प्लस x3 बाय 2, BD का x कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x4 बाय 2, तो x4 मुझे कितना मिल जाएगा? x1 प्लस x3 माइनस x2। आपका यू कैन मेक इट नोट फोर्थ वर्टेक्स what vertex of the parallelogram
कुछ अदर थ्री बटे से सर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री इज क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू कमा वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू। तो ये आप एक नोट बना सकते हो, इस हिसाब से आप फोर्थ वर्टेक्स आप निकाल सकते हो। जब ऑर्डर में दिया जाएगा तो आप इसको एबीसी मानोगे, नहीं तो इसको चेंज करोगे। हाँ सर, सर वरना तो सर वो लोग कौन सा भी आ सकता है ना सर, ये तीनों। हाँ, तीन तीन आएगा। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था तो मल्टी चॉइस में रखा था सर। नीचे का दिखाना नोट सर, नीचे अभी फिफ्थ वन हो जाएगा। हाँ सर, तो आंसर मिला कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना सर, हम लोग को तो माइनस बी कॉमा बी मिल रहा है। माइनस बी कॉमा बी सर। हाँ सर, सर इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, स्लोप लेके भी कर सकते हैं। बट ये सबसे इजी मेथड। डन? हाँ सर। Then the value of y if 2 comma y divides the line segment joining these two, ये कुछ गलत था। कौन सा सर? टू था सर, गलत था सर। y 3 आ रहा है सर आंसर। कितने क्या आ रहा है? y 3 आ रहा है। फॉर्मूला उससे किया तो वाई थ्री आ रहा है सर, उसमें तो सब एम प्लस एन एम माइनस एन ऐसे दिया था। लेकिन एम प्लस एन एम इज इक्वल टू टू एन होगा तो एम प्लस एन हो रहा है। थ्री एम इज टू एन, टू एस टू वन होता है तो टू प्लस वन इज थ्री। नहीं उधर उधर में मिस्टेक हो रहा है ब्रो। कहाँ पे होता है वो? आपका आंसर क्या दे रहा है? M plus N दे रहा है सर। M plus N, but उसका fundamental मतलब fundamentally वो गलत है वो question। बताता हूँ। If the point divides the line segment joining 4,3 and 6,3, externally in ratio M is to N, तो आपका ये साइड में हो सकता है कि ये साइड में जो भी होता है। तो देखो ये एक्सटर्नली करेगा कि इंटरनली करेगा, जो भी करेगा, यहाँ पे मैं जो चेक कर रहा हूं दो पॉइंट जो दिया गया ना वो दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना। 4,3 6,3 ये लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी पॉइंट रखो उसका वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा ही होगा। वेदर इट इज इंटरनल डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ भी करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 3 होगा ही होगा। क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट आ रहा है ना, दिस लाइन सेगमेंट ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि y दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये लाइन के ऊपर मैं कहीं पे भी पॉइंट रखूंगा तो उसका y 3 होगा ही होगा, ठीक है। बाकी बचा मैं कौन से रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आज इट इज 2 गिवन, तो ये तो 2,3 दिखाई दिया, तो ए डिस्टेंस मुझे 2 दे रहा है, ए डिस्टेंस मुझे कितना दे रहा है? 4 4 दे रहा है। 4 ना, तो ये कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नल 1:2। आप 1:2 कर सकते हो, नहीं तो 2:1 कर सकते हो। 1:2 एक्सटर्नली बोल सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि जो 4 6 2 ये तो 2 के बाद 4 रहेगा, बाद में 6 रहेगा, तो ए साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये मेंडल वाला समय कैलकुलेशन, तो ये 1:2 रेशियो इंटरनली डिवाइड, सॉरी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बाकी बच्चा जो m प्लस n दिया गया वो लॉजिक रेशियो। हां सर, क्यों? हां सर, मैं बताऊंगा 1:2 रेशियो कोई बोल रहा है, मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि 10:20 रेशियो, गलत होगा क्या? नहीं नहीं नो सर। तो इफ यू टेक m एज 10 n एज 20 इज देयर एनी मिस्टेक? नहीं सर। तो m प्लस n कैसे होगा आंसर? सर इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा सर। तो यहाँ पे देना चाहिए कि m एंड n उनका जीसीडी 1 होना चाहिए, मतलब को प्राइम होगा तो फिर होगा। तो फिर m प्लस n का वैल्यू 30 आ जाएगा, तो फिर मेरा आंसर गलत हो गया। हाँ सर, तो ये आंसर लाने के लिए आप क्वेश्चन में टर्म ऐड करो कि m एंड n आर को प्राइम नंबर्स। तो फिर आप कुछ अदर देन 1 2 और कुछ ले नहीं पाओगे। ठीक है? हाँ सर। काफी लंबा समय हो रहा था, ये सब थोड़ा लंबा जा रहा है। The end of the base of an isosceles triangle 2,0,0,1 and the equation one side is x equal to 2. The equation of one side का क्या मतलब है? मतलब isosceles triangle का जो एक side होगा ना, तो वो 0, 0, 2 दिया गया सर, एक 2 पे है ना सर, वो पैरेलल है सर, वो आई एक्स। हाँ, तो क्या बोलेंगे? y 2 और एक साइड दिया गया कि x equal to 2, इसका मतलब क्या है? सर मतलब y पर उसका कोऑर्डिनेट नहीं है, y पर उसका कोऑर्डिनेट नहीं है, अभी उसको फाइंड करना है y पर उसका कोऑर्डिनेट सर। तो तीसरा कोऑर्डिनेट 2, y हो जाएगा सर, वो सीधा x equal to 2 लाइन क्या होता है? पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ये लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट रखोगे हर जगह आपका x का कोऑर्डिनेट 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में था वैसे। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये आपका लेटेस्ट है बी सी ए बी सी जन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा और ए बी इक्वल टू ए सी होगा। हो जाएगा ना।
सपोर्ट इसमें दो चांसेस बनते हैं फिर इक्वेशन ऑन वन साइड दो ऐसे ले नहीं पाएंगे क्या सर नीचे की तरफ भी ले सकते हैं ना हाँ। नहीं ले सकते ना सर क्यों नहीं ले सकते आइसोसेलस के सो आइसोसेलस नहीं होगा आइसोसेलस नहीं होगा ना सर नीचे ले क्योंकि बेस तो हम लोग को बीच अच्छा ये बेस दिया गया तो आइसोसेलस नहीं होगा नीचे की तरफ ले नहीं पाएंगे तो ऊपर की तरफ लेना चाहिए तो के मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो क्योंकि आप जब डिस्टेंस रखोगे तो हो सकता है आपका क्वाड्रेटिक नहीं आएगा ये टू टू कमा के होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये के होना चाहिए ठीक है तो आपका k माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस टू k इक्वल टू फाइव तो k इज इक्वल टू फाइव बाय टू यस ठीक है तो ये जो पॉइंट आपका मिलेगा टू कमा अब मिल जाएगा ऑर्थो सेंटर हाँ सर खाली फॉर्मूला तो स्लोप से फाइंड आउट कर इक्वेशन बनाते हैं ओके नाइन टेन In a triangle ABC, A 1, 10, circumcenter, orthocenter given, then the coordinate of the midpoint of side opposite to A. क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें तो सर हम लोग centroid find out करके भी कर सकते हैं। हाँ सर। कुछ मैंने दिया था ना OGH। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Two is to one. O G H R collinear. And G divides. Circumcenter. Circumcenter. H is the orthocenter. Orthocenter. G is the centered. Okay. आपका क्वेश्चन में दिया गया circumcenter minus half comma 2/3. No, minus 1/3 comma 2/3. Circumcenter. Orthocenter दिया गया 11/3 comma 4/3. तो मुझे सेंटर्ड निकालना है हाँ सर एक्स कोऑर्डिनेट वन आएगा और एक्स को मैं वाई ले लेता हूँ तो ये होगा 11/3 माइनस 2/3 कितना 9/3 अपॉन 3 तो वन आ जाएगा और ये होगा 4/3 प्लस 4/3 8/3 8/9 बराबर उसका अपोजिट मिड पॉइंट हो जाएगा हाँ सर अच्छा अभी टू टू इस टू हो गया ओके क्वेश्चन समझा क्या हो रहा है पर कुछ समझा नहीं क्या लॉजिक लगा है
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर दिस थ्री द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन व्हिच बाइसेक्ट सीएबी इंटरनली एंड लाइन जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ओके CAB internally and the line joining C to the midpoint of AB. हाँ क्या दिक्कत है? सर नहीं समझ रहे कैसे होगा? सर वो डायग्राम बना रहे हो उसके बाद क्या मतलब? पहले से एक एंगल बाइसेक्ट कर दिया और एक मिडपॉइंट का लाइन दिया है। वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपका ट्रायंगल ABC दिया गया? हाँ सर। इसका बोला गया कि एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल ए का बाइसेक्टर और ए बी के मिड पॉइंट से सी तक का इंटरसेक्टर पे दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। हाँ सर। एंड मेडियन ड्रॉन फ्रॉम सी सर मिड पॉइंट का तो निकाल भी लेंगे तो हो गया। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा है ये क्या होगा? हाँ सर ये सर ई और सी मिल गया लेकिन इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गया और सी के मिल गए और ए बी सी पे। हाँ सर। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 बिकॉज़ आई गॉट 5 बट इट इज नॉट इन ऑप्शन इज इट क्वेश्चन थर्ड क्या आया? नहीं सर एक सेकंड हम लोग पता है आंसर क्या है। सर है तो इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थर्ड वाला x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है वही आंसर कितनी वैल्यूज है वो पूछा है कौन सी सर माइनस वन और थ्री आ रहा है सर। हाँ दो आंसर आते सर x की वैल्यू 2 है मतलब दो वैल्यूज x की। ठीक है आपको ई पॉइंट मिला एबीसी गिवन। हाँ सर। व्हाट इज योर एबीसी? ए माइनस 4,0 बी 0,2 और सी माइनस 3,2। ए माइनस 4,0 बी 0,2 0,2 और सी माइनस 3,2 ओके तो -2,1 मिल गया फिर तो ये पॉइंट आपको मिल गया -2,1 मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है तो अब आपको ये पॉइंट चाहिए। यस सर। मैं इंटरसेक्शन चाहिए ना सर। इंटरसेक्शन के लिए पहले डी पॉइंट तो निकालो। अच्छा डी पॉइंट से आपको स्लोप पता चलेगा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन की। सर पहले सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे उसके बाद डी मिलेगा ना। नहीं 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 डी कैसे मिलेगा आप बताओ। वही तो बता रहा हूं AD द एंगल बाइसेक्टर डी कैसे मिलता है? सर AC बाय AB के रेशियो में डिवाइड करेगा। बिल्कुल हां तो AC बाय आपका BD इज टू DC इक्वल टू AB इज टू AC बाय AC AC। हां सर व्हाट व्हाट AB डिस्टेंस इजीली भी कर सकते हैं 2√5 upon whatever हाँ सर। ओके तो ये डी पॉइंट मिल गया। हाँ सर मिला हो तो अबे ये रखो
अब मुझे 80 का स्लोप मिल जाएगा। हाँ सर। सपोज इट इज एक्स कमा वाई, पी पॉइंट इज एक्स कमा वाई, तो आपका एपी स्लोप, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी। एडी लास्ट टाइम हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन किए थे क्या? नहीं ना, नहीं नहीं किए थे सर। स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं किए तो मैं स्लोप यूज कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी, तो एपी का स्लोप कितना होगा? y minus 0 y upon अरे plus 4 y minus 0 upon x plus 4 ठीक है। हाँ हाँ equal to 2 minus 0 2 sir d का minus 3 comma 3 आ रहा है, कैसे होगा? नहीं नहीं minus 2 comma 3 आता है, possible ही नहीं। 2 is to 1 क्या बोला? minus 3 comma 3 3 ये तो मैं देख रहा हूँ, ये तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, सबके सेम हो गए ना फिर। जब दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा ये कैसे चेंज होगा? ये तो सेम रहेगा भाई, टैलेंट। तो मैं तो y तो चेक नहीं किया था, मैंने तो ऐसे लिखा। तो आप फॉर्मूला डालो, 2 into 2 4 plus 2 6 by 3 2 तो आ रहा है, तो कैसे हिसाब लगा रहे हो? इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 4 1, दैट इंप्लाइज x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन का लाइन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 वही लिखा हुआ तो है। ओके अच्छा, तो ये एक इक्वेशन मिल गया जो पीक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इधर सिमिलर इक्वेशन, स्लोप ऑफ ईसी और ईपी, स्लोप ऑफ सी और ईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ईपी पी और पीसी। सी का स्लोप कितना होगा? माइनस वन, माइनस वन है ना, 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 हो गया। हाँ सर। इज इक्वल टू पी का स्लोप y माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, दैट इंप्लाइज x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 ठीक है। हाँ सर, ऐड करने तो ना, तो आप साइमल्टेनियस यूज कर सकते हो, नहीं तो क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो, बट यहां पे साइमल्टेनियस यूज कर दो क्योंकि y y कैंसिल हो रहा है। तो 2x = -5 x = -5/2 तो सिंपल करते हैं। हां सर, 3/2 और y का वैल्यू, y का वैल्यू 3/2 तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन इज देयर? हां सर, ऑप्शन डी ऑप्शन है। Yes, sir. This is your answer. Answer. वो starting में अटक रहे थे sir. वो starting में अटक रहे थे, वो D point वाला निकल ही जाती है। D point हम in center निकाले थे, D point ऐसे निकाल के, फिर क्यों strike नहीं कर रहा है? तो मुझको वो slope वाला समझ नहीं आया था, D मैंने निकाल लिया था। बताओ क्या हुआ? सब तो आपके सामने लिखा हुआ है। स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी, हम लोग पीडी लिख कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट तो एक लाइन में तो उनका स्लोप इक्वल होगा ना। पीडी करोगे तो आप दो दो बार अननोन के साथ जा रहे हो ना। हाँ। मजा आ रहा है तो करो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं मजा नहीं।
इसलिए मैंने आप स्लोप ऑफ एपी के जगह स्लोप ऑफ पीडी यूज कर सकते हो, सो दैट एक अननोन के साथ जाओ एक नोन के साथ जाओ, एडी मस्ट, अदरवाइज आप सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट होगा ना. तो मैंने जो रखा स्लोप ऑफ एपी एपी, आप इसके जगह स्लोप ऑफ पीडी ले सकते हो. सर वो सर तो फिर स्क्वायर में चला जाएगा. अब दो लेफ्ट राइट दोनों में अननोन रखोगे फिर तो डिफिकल्ट होगा ना. हाँ डन. यस सर. हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट क्या था? 3 points. Determine the vertices of an equilateral trapezium ABCD. इतना भी हार्ड नहीं था सर. The coordinate of the vertex D. Equilateral trapezium मतलब क्या है? Square. Isosceles वाला ना? हाँ सर isosceles. कैसे? Isosceles trapezium. तो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. हां सेम कॉन्ग्रुएंट. ओके हां सर हो गया. वही यही पर सॉल्व हो गया. डिस्टेंस फार्मूला का क्या हो जाएगा? माइनस 4 0 2,1. देखो 2,1 3,1 वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखो बेस. हां सर ठीक है क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम दे रहा है. तो a दे रहा है माइनस 4,0. हाँ सर. तो यहाँ पे डेफिनेट जीरो y कोऑर्डिनेट जीरो. हाँ सर. बाकी ये कुछ रख दो. हाँ सर ऑप्शंस ऐसे देना सब जीरो y कोऑर्डिनेट. अच्छा सब. हाँ सर सब जीरो वाले. वो लोग ही स्मार्ट है. सर नहीं तो बना है सर ही स्मार्ट. तो अब क्या होगा? AB distance is equal to DC distance होगा. हाँ सर. और diagonal. And ये तो already parallel दिखाई दे रहा है तो मुझे कोई करना मतलब ये actually BC parallel to AD होना चाहिए but ये दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों का y coordinate same इधर दोनों का x coordinate same हो गया तो parallel तो हो गया. हाँ सर. क्योंकि both the lines parallel to क्या है? दोनों का y कोऑर्डिनेट से मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस ये भी पैरेलल टू x एक्सिस तो ये दो लाइन पैरेलल हो रहा है. सिर्फ आपको देखना है कि AB is equal to DC. तो AB square equal to DC square. DC square. What is your AB distance? AB मतलब 1 6 square square root 37. ओके. हां सर. DC square. सर मैंने तो सर BC equals to AD से कर दिया. BC equal to AD क्यों होगा? अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी. Equal lateral. अरे AC equal to BD होगा. हाँ हाँ. AC equal to BD होगा नहीं तो AB equal to DC होगा. हाँ सर. ठीक है वो दोनों लेना जरूरी नहीं. Either AC equal to BD रखो नहीं तो AB equal to DC रखो. Equilateral trapezium का क्या मतलब है? Isosceles. अच्छा. मतलब AB equal to ये दोनों equal होना चाहिए. Trapezium का ये दोनों का जरूरी नहीं ना equal. हाँ. हाँ ये equal होना चाहिए. Yes. That means x minus 3 whole square equal to 6 square. So x minus 3 ho jayega plus minus 6. Then x is equal to ek 9 hoga, ek minus 3 hoga. Theek hai? Answer ho to dono diye. So, ye length kitna? 1. To minus 3 rakhunga to uska length 1 ho jayega. To ye nahi hoga. Minus 9 hoga. Answer wohi answer hai. मतलब इफ आई कंसीडर माइनस 3,0 तो वो डिस्टेंस 1 हो जाएगा. तो ये दोनों डिस्टेंस जब इक्वल होगा तो ट्रेपेजियम नहीं होगा ना स्क्वायर रेक्टेंगल हो जाएगा. यस
हाँ ठीक है, इसलिए ये लेंथ को बढ़ा के छोटा करना चाहिए, BC is equal to 80 नहीं होना चाहिए, तो 9 is the right answer. The non-integrated people have not received module. सबको नहीं मिला क्या? क्या सर? बुकलेट नहीं मिला क्या मॉड्यूल? मिला ना सर. सर सर नॉन इंटीग्रेटेड को नहीं मिला. तो बोलना क्लासेस जाने बोला था ना सर ने, नियरेस्ट के कोई भी जाओ लेकर आ जाओ. नहीं आपको नहीं मिला तो आप लास्ट टाइम आपको बोलना चाहिए था. क्या सर? लास्ट टाइम बोलना चाहिए था ना, नहीं मिला है तो मैं भेज देता. तो क्या नहीं मिला सर? वो टॉप रहने दो, वो बाहर है सर, वो नींद में था सर. नींद में नहीं हूँ सर, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था. अरे मॉड्यूल दूसरे नॉन इंटीग्रेटेड बुकलेट नहीं मिला है उनको, नॉन इंटीग्रेटेड. ओके सर. बच्चों को सबका यही हालत कि सिर्फ उसका ही है. नहीं सर, हम लोग को तो मिल गया सर, लेने जाना पड़ा था 2 वीक्स पहले मिल गया. हाँ सर, लेने जाना था. ठीक है, मैंने भेज दिया. किसी फ्रेंड से मांगा था, फोटो भेज देता. हाँ सर, आया सर. ठीक है, देन 13. हाँ सर, 13 से 16 तक लाइन है सीधा. If the line segment joining AB, CD, subtend an angle theta at the origin, then cos theta. Last time cosine formula डाला बोल रहा था ना, वही डाल दो. KBP class में. सर क्या? तो मुझे नहीं मालूम, आप बोल सकते हैं. हम लोग को भी नहीं मालूम KBP का. ठीक है, हमने तो दूसरे तरीके से करेंगे. 2 points AB and CD. नहीं चाहिए कोसाइन रूल भी नहीं चाहिए. ठीक है, यही क्वेश्चन है ना. डिस्टेंस से भी वो ओरिजिन से वो लाइन बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है सर. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सबटेंड an angle theta at origin. हाँ सर, ये है. मतलब AB segment theta angle make कर रहा है origin पर. हाँ. Then cos theta कितना होगा? ठीक है. हाँ सर. Let ये आपका alpha angle कर रहा है, ये आपका beta angle कर रहा है. तो what is the tan alpha? If alpha make if d by c, d by c स्लोप होता है ना. हाँ सर. तो d by c what is tan beta? सर a by beta, b by a, sorry b by a. Then you know theta is equal to beta minus alpha. Yes sir. So tan theta is equal to tan of beta minus tan alpha upon 1 minus 1 plus tan alpha. So d by c minus b by a upon 1 minus 1 plus bd by ac upon ac. हाँ ठीक है. तो कितना मिला?
AD माइनस BC अपॉन AC प्लस BD, ये आपका tan थीटा का वैल्यू। हाँ सर। तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना? जस्ट फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा आपको चाहिए। हाँ हाँ। हो गया? हाँ सर, ऑफ कोर्स इसका और भी एडजेसेंट है, तो हमने काट दो ना, स्क्वायर करके ऐड कर। तो डिनोमिनेटर केस वाला रहेगा ही रहेगा न्यूमरेटर में, क्योंकि आपको ये tan थीटा दिया गया ना, cos थीटा पूछ रहा है, ए आपका डिनोमिनेटर होगा ही होगा, AC plus BD। हाँ। बाकी न्यूमरेटर जो सॉरी न्यूमरेटर में AC plus BD होगा, डिनोमिनेटर में ये दोनों का स्क्वायर का सम का रूट ओवर होगा, दैट यू कैन फाइंड आउट। और सबका डिनोमिनेटर सेम दिया गया, सेम ही दिया। हां सर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बी खत्म। ओके सर। नहीं, AD plus BC मतलब AC plus, AC plus BD, AC plus BD मतलब आपका B। B अब डायग्राम तो AB को ना सर ओरिजिन से पास कर देता वेक्टर की तरह, इसलिए नहीं आ रहा। सर एंडिंग पार्ट एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या हुआ? आपको tan थीटा मिला, cos थीटा निकालो, tan थीटा इधर दिशा, तो cos थीटा के लिए आप एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हो, नहीं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करो, sec स्क्वायर थीटा मिलेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल रखो, cos स्क्वायर मतलब cos थीटा आप निकाल सकते हो, बट बेटर गो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस होगा ये tan थीटा मतलब AD माइनस BC होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, AC प्लस BD होगा लेंथ ऑफ बेस। आप हाइपोटेन्यूज निकालो ये दोनों का स्क्वायर का सम करके, AD माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस AC प्लस BD का होल स्क्वायर, इसका रूट होगा ये आपका हाइपोटेन्यूज। After simplification, you will get a square plus b square into c square plus d square. ये आपका hypotenuse मिल गया, ये base. आपको cos theta चाहिए, base by hypotenuse. ओ हाँ अच्छा। सेवेंथ वन लिस्ट में नहीं था, कौन सा वाला सर? सेवेंथ। हाँ सर, उसमें कैसे ट्रिक यूज करना? अल्फा बीटा गामा द रियल रूट्स ऑफ द, तो आप लोग का क्वाड्रेटिक चल रहा है ना, तो इसमें फिर क्यों दिक्कत आ रहा है? हो गया सर। सर वो सर ने अपना क्यूबिक नहीं सिखाया? क्यूबिक नहीं, क्यूबिक मैंने तो बता दिया था ना। यस सर, वो आपने बताया सर, ये तो x माइनस वन होल क्यूब माइनस b बाय ए सर आ जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? माइनस b बाय ए, माइनस b बाय, माइनस b बाय ए मतलब 3p। व्हाट इज सम ऑफ टू टू रूट्स? c बाय a, बाय a। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? माइनस बी वन होगा, ठीक है ना?
ये आपका माइनस बी बाई ए, ये आपका सी बाई ए, ये आपका माइनस डी बाई ए, तो ये यूज करा। अब पूछ रहे कि सेंटर्ड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर अल्फा वन बाई अल्फा, बीटा वन बाई बीटा, गामा वन बाई गामा, तो सेंटर्ड क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय थ्री कमा वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा प्लस वन बाय गामा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलरेडी थ्री पी बाय थ्री पी क्यूब, और ये आप लिख सकते हो समेशन ऑफ अल्फा बीटा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? अल्फा इनटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा ये थ्री, तो ये हो गया p, ये आपका 3q अपॉन 3 दैट इज q। हां सर, ये फिफ्टीन में कुछ गड़बड़ था क्वेश्चन में सर, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? कैसे एसिमेट्री को लगेगा? कॉस सारे एंगल्स दिए हैं, देखो तुमको मालूम है कि कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 10 और तेरे को आइसोसेलस ट्रायंगल दिया वही यार। इसमें क्वेश्चन में गलत था, मैं बताता हूं व्हाट इज द मिस्टेक। एंगल ए इज द कॉस इनवर्स 4 बाय 5, तो कॉस ए कितना हो जाएगा? 4/5 and b equal to c, dono hoga cos b is equal to c and cos b kya diya gaya? 1/√10 that is cos c also, theek hai? ha sir, in a triangle vertices are, main jab dekh raha hu ye triangle leke उधर मुझे मिस्टेक दिखाई दे 1.5 डिग्री नीचे, एक किसी का भी कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। अब तीनों का कोऑर्डिनेट चेक करोगे मतलब ए बी सी सेम और वाई या तो आपका ए दिया गया 1.2 2.3 3.1 हां ठीक है। What about this distance? Root 2. A distance. 2 plus root 5. A distance. Root 5. ठीक है? तो आपका एंगल A equal to एंगल B होना चाहिए। हाँ सर। But question दिया गया कि B equal to C. सपोज बी इक्वल टू सी हो जाएगा, देन ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यस सर, यस। तो आपका ए इक्वल टू बी होना चाहिए क्वेश्चन में, नॉट बी इक्वल टू सी। हां सर, ओके। तो सर तो ए और सी की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी ना? हां, ए और सी की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी ना? तो फिर जो तेरा वो सम भी इंटरचेंज होगा ना, तो एक बाद में फिर से तो वैल्यू चेंज करते हैं। तो वही होगा ना सेम द ट्रायंगल। उधर एक गड़बड़ था, अभी फिर चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं ये तीनों का सम 180 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दैट आई नीड टू चेक। तो आपका जब कॉस बी हो जाता है 1/√10, टैन बी कितना होगा? सर 1/3 होगा, तो ट्रायंगल बना सर 1/cos को sec लेके भी कर सकते हैं। रूट 10 ना, ये 1 तो ये 3 होना चाहिए ना? हां हां तो तो tan भी 3 होना चाहिए। tan ये कितना होना चाहिए? 3/5 ठीक है सर। tan
थ्री बाय फोर होगा ना सर, थ्री बाई फोर सर। इफ एबीसी एट द एंगल, एबीसी एट द एंगल से फिर ट्रायंगल, देन टैन का रिजल्ट क्या था? क्या इन ए ट्रायंगल एबीसी टैन का रिजल्ट क्या था? सर टैन ए टैन बी टैन सी। क्या है सर? टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू टैन ए, वो करना है। टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू टैन टैन बी टैन सी, टैन ए इनटू टैन बी इनटू टैन सी। ठीक है, तो आप इसमें चेक करो, इज इट 3 प्लस 3 प्लस 3 बाय 4 इज इक्वल टू 3 इनटू 3 इनटू 3 बाय 4 Is it yes? A side में आपको क्या आ रहा है? 27/4 Yes sir, A side में कितना आ रहा है? 27/4 ही आता है। 27/4 आ रहा है। हाँ sir। इसका मतलब ये angle सब पे triangle correct होगा, ठीक है ना? हाँ sir। तो इसका मतलब आपका ये change करना पड़ेगा। यहाँ पे A कर दो, A के साथ कौन सा equal? B equal। B B। तो आप ये करो कि cos inverse से is equal to cos inverse b equal to 1 by root 10, question में change करना पड़ेगा, and cos c 4 by 5। sir वो cos inverse नहीं होगा ना sir, cos होगा ना direct, sorry cos inverse 1 by 10। हाँ मतलब a equal to b equals to b is equal to cos inverse 1 by 10 and c equal to cos inverse 4 by 5 cos inverse बोल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? सर सर्कम सेंटर फाइंड करना। सर्कम सेंटर के लिए आप फार्मूला डाल सकते हो, क्योंकि एंगल दे दिया ना, यू कैन यूज फार्मूला। सर्कम सेंटर का फार्मूला क्या था? हां सर, x1 sin 2 sin 2a plus x2 ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी गलत दिया गया, तो आंसर तो ठीक नहीं आएगा। व्हाट इज द साइन ए? सॉरी साइन टू ए मुझे चाहिए, sin a plus cos a plus sin a cos a plus sin a cos b plus cos a sin b। क्या कर रहा है? 2 sin a cos a sin 2 a sin 2 theta 2 sin theta 2 sin a cos b 2 sin a cos a 2 sin a cos a 5 no ha 1 by root 10 3 by root 10 ये cos sin 2 c मिलेगा, not 2 a, ये 2c का वैल्यू। cos में होगा 4 by 5, sin में होगा 3 by 5, 3 by 5 into 4 by 5, 24 by 5, ठीक है ना? हाँ sir, 24 by 25, ये sin 2c, sin 2c होगा 2 sin c cos c, हाँ sir, हाँ sir, 2 sin c होगा 3 by 5, cos c हुआ है 4 by 5, that is 24 by 25, ठीक है? Yes sir, sin 2a 2 sin a cos a 2 3 by root 10 1 by root 10 तो कितना 6 by 10 3 by 5 3 by 5 so sin 2 a is equal to sin 2 b is equal to 3 by 5 okay sir अब डालो फॉर्मूला x1 into sin 2 a what is the x1 One. क्वेश्चन में सिर्फ कोऑर्डिनेट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हाँ मैं तो कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूँ। मैं तो कोऑर्डिनेट ही ढूंढ रहा हूँ सर। सर्कम सेंटर वाई वाई कोऑर्डिनेट सर ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ओके ऑर्डिनेट मतलब हम निकालेंगे y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c upon sin 2a plus
साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये निकालना है ठीक है। वाई वन, वाई वन इज द टू इंटू साइन टू ए थ्री बाई फाइव, वाई टू थ्री इंटू थ्री बाई फाइव प्लस वाई थ्री वन इंटू ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव अपॉन ए तीनों का सम थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव सिक्स बाई फाइव प्लस ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव हमारे राइट। हाँ ये आपका हो गया थ्री, हाँ थ्री, हाँ थ्री प्लस ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव सेवेंटी नाइनटी नाइन अपॉन ये हो गया थर्टी थर्टी फिफ्टी फोर, ये होगा आंसर बट नहीं रहेगा सर। नहीं सर उसमें सिंगल डिजिट तो ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे दिया माइनस टू, हाँ वो क्वेश्चन के हिसाब से देखो आंसर दिया दिया जाएगा बट वो क्वेश्चन गलत है इट्स आंसर जीरो है इसका सर। आप जो क्वेश्चन दिया गया ना उसी हिसाब से निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ उसमें क्या क्या साइन टू है उसके हिसाब से कितना आएगा 24 by 25 आएगा, मतलब ये 24 by 25 होगा और बाकी ये 3 by 5 होगा। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, ये तो आज इट इज रहेगा। अब चेक करो 48 by 25 प्लस 9 by 5 ये 3 by 5 बराबर ना 12 by 5 अपॉन डिनोमिनेटर तो ये हो गया 60 प्लस 48 108 अपॉन 54 टू आ जाएगा। ऑप्शन इज दिया, हाँ सर ऑप्शन हाँ आंसर देखो उसी हिसाब से दिया गया बट क्वेश्चन गलत। फिफ्टी इंटू का आंसर जीरो दिया है एक्चुअली, जीरो दिया है तो बोल रहा सर जीरो दिया है, कुछ नहीं तो जीरो दिया है सर। ठीक है ऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल जीरो। ओके ये कौन सा था 15 था सर, अब 16 है फिर 16 18 है और 20 16 18 20 तीन बाकी शायद से तो। If the coordinate of the midpoints of the sides of a triangle, then the coordinate of its in center. ये तो इजी था। जीरो कमा जीरो थ्री कमा जीरो जीरो कमा फोर कोऑर्डिनेट ऑफ सर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हाँ बट इंसेंट ये मिड पॉइंट दिया गया, मिड पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ये हाँ मिड पॉइंट थ्योरम से कर सकते हैं ना। वो मिड पॉइंट थ्योरम से क्योंकि मिड पॉइंट तो दिया है। नहीं नहीं वो तो ठीक है बट मिड पॉइंट का ट्रायंगल का इन सेंटर एंड ओरिजिनल ट्रायंगल का इन सेंटर ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना सर, नहीं होता ऐसा। ओके नहीं सर नहीं चलेगा, हम दूसरे मेथड में करेंगे मतलब प्रॉपर्ली सर वर्टाइसेस फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं। हां आपका इन सेंटर के लिए क्या चाहिए, वर्टाइसेस के साथ लेंथ ऑफ साइड चाहिए ना? हां सर। ऑल्दो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, मैं राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं ले रहा हूं ठीक है, हम सीधा सीधा इधर से निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दिया गया ये जीरो कमा जीरो और एक दिया गया जीरो जीरो और जीरो कमा फोर और 3.0 है ना। हां 3.0 हां सर तो ये डिस्टेंस 5 हुआ।
तो ये डिस्टेंस कितना होगा? कौन सा सर? ए बी बी सी डिस्टेंस कितना होगा? टेन बी सी The line joining midpoint of the triangle, sides of a triangle, always parallel to third side and half of the third side. Half of the, हाँ sir. हुआ ना? हाँ sir. A distance 3. A distance 6 होगा. A distance 4. तो A distance? 8. 8. अच्छा. अब ये आपको parallelogram देगा. क्योंकि this line, this segment parallel to this one. ये भी इसके साथ पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम देगा। हाँ सर। ये जब आपको पैरेललोग्राम दे दिया, दिस इज़ द फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स का आंसर कितना होगा? 3 प्लस 0 माइनस 0, ये 3 होगा। 0 प्लस 4 माइनस 0, ये 4 होगा। अंडरस्टूड? हाँ सर। अब ये भी पैरेललोग्राम। And this is the fourth vertex. So, iska vertex, iska answer kya hoga? 3 plus 0 minus 0. 3. Then 0 plus 0 minus 4. Minus 4. Minus 4. Like that. Ye bhi fourth vertex of this parallelogram. Minus 3, 4. So, iska answer hoga 0 plus 0 minus 3. Minus 3. And 4. Yes, sir. बराबर यस अब इन सेंटर चाहिए हां 10 into 3 30 plus 8 into minus 3 minus 24 6 into 3 18 upon 10 plus 6 plus 8 24 come on 10 into 4 40 6 into minus 4 minus 24 8 into 4 32 upon 24 right 1 comma 2 ye 1 ye 2 but sir answer to 16 ka 1 comma 1 diya आंसर 1,1 दिया सर 1,1 वाई कोऑर्डिनेट हमारा कहीं पे गलत है क्या फर्स्ट ए बी आप ये पॉइंट तीनों चेक करो 0,0 0,4 3,0 क्वेश्चन में गिवन 0 0,4 0,3 ए सॉरी 3,0 इज दैट सर यस सर ओके तो इसका होगा 3 मुझे y कोऑर्डिनेट चेक करना है क्योंकि x तो आंसर आ चुका है 0 प्लस 4 माइनस 0 दिस इज राइट तो ये राइट इसके लिए होगा 0 प्लस 0 माइनस 4 सर वो y में 40 प्लस 24 माइनस 32 आएगा ऐसा ही क्या नहीं नहीं प्लस 34 2 आ रहा है यहाँ पे कुछ गलत होगा तो मैं देखता हूँ 4 प्लस 0 माइनस 0 नहीं ये तो राइट है तो मैंने 10 into 4 40 then 6 into minus 4 minus 24 plus 8 into 4 32 upon ये तीनों का सम बराबर ऑप्शन में है क्या 1,2 हाँ सर ऑप्शन में है डी ऑप्शन में हाँ तो ठीक है ओके सर यस राइट हूँ जो नेक्स्ट 18 और 20 दो बचे सर 20 18 18 20 हाँ The orthocenter of the triangle ABC is B and circumcenter orthocenter B.
तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना? हाँ सर, मिड पॉइंट पे सर आ जाएगा और सर डायरेक्ट हो जाएगा। सेंटर दिया गया ए कॉमा बी दिया और सर ए हमें 0 0 ओरिजिन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी हो जाएगा। हाँ सर, मैं डायग्राम बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स में एक आ रहा है, तो मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल रखो, राइट एंगल एट बी होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? सर्कम सेंटर क्या होगा? एसी का मिड पॉइंट होगा। हाँ सर, एसी का मिड पॉइंट, ए की वैल्यू मालूम है सर, तो सी मिल जाएगा। यूज दैट कांसेप्ट, यू विल गेट योर सी। लेकिन सर इसमें तो ए इज द ओरिजिन दिया है ना? हाँ दे देना, तो हाँ सर, मतलब क्या दिक्कत क्या हुआ? ओरिजिन देना है सर, समझा? ओरिजिन आपको बी दिखाई देगा ऐसा? नहीं सर, मुझे बी बी पर ऑर्थो सेंटर है, तो मुझे लगा कि बी बी पर ही राइट एंगल बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे सर? वो वही बोला जो आपने बोला। हां हां, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ, मैं बोला उसने। सर आपने बोला कि बी पर ऑर्थो सेंटर है, मुझे लगा बी पर ही राइट एंगल भी होना चाहिए। जब ओरिजिन रहा है इधर, तो बी पर कैसे होगा? मतलब आपका, मैं जब बोल इधर बी बोला तो आपको ये ओरिजिन नहीं दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, उसको यही लगा, मतलब उसको लगा बी ओरिजिन है, ए नहीं है। और ये मिड पॉइंट सर्कम सेंटर दिया गया, यहाँ पे सर्कम सेंटर होता है ए कॉमा बी, ये आपका ऑर्थो सेंटर है। हाँ चले, ठीक है, ए कॉमा। हाँ आपको दिया था ना, एबीसी बी द सर्कम सेंटर, नहीं अर्थो सेंटर इज एट बी, सर्कम सेंटर एस, इट इज ए कमा बी, तो ये आपका 2 ए कमा 2 बी हो जाएगा। सर जो ऊपर वाला सम था, हेलो सर, सर उसमें हम लोग जो अंदर का जो ट्रायंगल दिया था सर, उसके मदद से भी कर सकते हैं ना, मतलब उसका जो सर्कम सेंटर होगा वो ही उसका इन सेंटर होगा सर, जो अंदर वाले का, बड़े वाले ट्रायंगल का, ऐसे भी कर सकते थे सर। नहीं नहीं, रह रहते लंबा हो जाता है। किसका सर्कम सेंटर सर? वो बोल रहा है अंदर वाले ट्रायंगल का सर। हाँ तो सर वो बड़े वाले का इन सेंटर होता था। नहीं 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 नहीं, इसका इन सेंटर जरूरी नहीं कि ये तीनों पॉइंट पे, मतलब ये तीनों में सर्कल तो होगा, बट वो ये तीनों लाइन उसको टेंजेंट करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तीनों में सर्कल तो बनेगा, वो तो करेक्ट, बट ये सर्कल बनने जो बनेगा तो ये लाइन उसको टेंजेंट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं ना। तो लाइन भी उसको टेंजेंट होना चाहिए, तब जाके इन सर्कल होगा। ठीक है, इफ ए द ओरिजिन देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी आर, ये तो 2a का मिड पॉइंट फार्मूला तो हो गया ना, 2a कमा 2b तो दिखाई दिया, तो इतना क्या करना था, कुछ नहीं। हां सर, टीपी टीक्यू टीआर डिनोट्स द पीएथ क्यूथ अर्थात देन द कोलिनियर पॉइंट्स। हां सर, कोलिनियर पॉइंट्स सर कैसे आवनी चाहिए? टीपी टीपी को क्या लिखोगे? A plus D P minus 1 into D comma P P, ये आपका A coordinate। हाँ similarly A plus U minus 1 into D comma Q, ये another coordinate, and A plus R minus 1 into D comma R, ये another coordinate। ठीक है, हाँ sir, slope of AB निकालो, कितना होगा? Q minus P upon P minus Q और Q minus P upon ये दोनों का difference, ये दोनों का difference A cancel होगा, DD cancel हो जाएगा,
डी कॉमन जाएगा तो पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन पी माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा विच इज वन बाय डी वन बाय डी सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी भी वन बाय डी आ जाएगा कोई बी सी को ले लिया दोनों का स्लोप सेम और दोनों का एक कॉमन पॉइंट है तो पैरेलल लाइन तो हो नहीं पाएगा वही पैरेलल लाइन होगा तो दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो बी द कॉमन पॉइंट तो क्या होगा ऑटोमेटिक वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर रहेगा कोलिनियर तो इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन क्या होता है ट्रायंगल नहीं बनता ट्रायंगल स्लोप्स इक्वल ए बी इक्वल ए बी प्लस बी सी इक्वल पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन क्या करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो जीरो और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी दिस इज द लेंथी मेथड देन डोंट गो फॉर ये ऑलवेज गो फॉर स्लोप सर डिस्टेंस भी होता है पर वो भी लेंथी डिस्टेंस भी लेंथी होगा ना डिस्टेंस करोगे तो आप अननेसेसरी क्या कर रहे हो स्क्वायर करा रहे डिस्टेंस क्या रखोगे अच्छा डिस्टेंस बताओ क्या करोगे एक मिनट डिस्टेंस क्या करोगे ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी ना सर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी सर इक्वल टू ए सी अच्छा मैं इधर ए रखा इधर सी रखा इधर बी रखा पर हम लोग अरे ऐसा नहीं क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ना सर कौन से दो पॉइंट कहाँ कैसे डिसाइड सर अभी अगर हम लोग ए बी बी ए सी और ए बी सी और ए सी तीनों से रेड लाइन फाइंड करेंगे ना तो सर हम ऐसा मतलब तीनों को मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऊपर सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर डाल के चेक करोगे कौन से आगे है कौन पॉइंट पीछे है नहीं सर वैसे नहीं एक नंबर इसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा ना सर वही सबसे बड़ा रहेगा तो वो सब तो इसका मतलब तीनों का डिस्टेंस तो आप हाँ तीनों का डिस्टेंस निकालोगे तो आप बता पाओगे हाँ सर तो ए बी एक निकालोगे बी सी निकालोगे ए सी निकालोगे हाँ सर मैंने वही तो बोला बट यू कांट टेल ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं सर मैं तो कल ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ तीनों निकालोगे तो पता चलेगा रुको ए बी प्लस एस सी इक्वल टू बी सी ओके हाँ ठीक है चलेगा बट तीनों डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा हाँ सर उसमें बाद में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका हाईएस्ट है उसमें दो ऐड बाद में ऐड करके लिख के जो वैल्यू अगर मैच कर रहा है डन एक सेकंड यस सर हाँ सर लास्ट टाइम कहाँ थे एक सेकंड सर किसी का नहीं था सर मुझे डाउट है अभी तो सर्कमसेंटर ऑर्थो सेंटर किए थे हाउ टू फाइंड आउट ऑर्थो सेंटर एंड सेकंड सर्कमसेंटर वो बताया था है ना हां सर यस सर हां सर सर अपना स्लोप का मैं बताया था तुम्हें स्लोप तो पहले हो गया था नहीं सर मेथड हुआ सब हां सर सर सेवेंथ वन क्यों डाउट है अरे सेवेंथ वाले में तो अभी वो सर ने नया फॉर्मूला दिया ना वो वाले से कर ले पैरेललोग्राम का ये फोर्थ साइड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हां सर अच्छा ठीक है लिखता हूं प्लस x3 माइनस x1 हां फोर्थ वर्टेक्स का फार्मूला दिया था ना ये हां सर याद है डन यस सर Now come to straight line.
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू तो y इज इक्वल टू 0 तो क्या मतलब है उसका मतलब x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट उठाओ तो उसका y का वैल्यू 0 होगा हाँ सर तो y equal to 0 ये इक्वेशन फॉर्मेट में दिया यस सर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y equal to a some constant the lambda belongs to any real number सर वो एस टी लिखा है सर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं सर नीचे नीचे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर मतलब वाई का वैल्यू फिक्स वैल्यू होगा ठीक है ना यस नो यस सर इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस सर x इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा नहीं 0 भाई 0 नया मैथमेटिशियन है भाई तू नया मैथमेटिशियन है भाई तू तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तू जैसा के बड़ा है पैरेलल टू x एक्सिस सॉरी y एक्सिस क्या होगा x इक्वल टू कांस्टेंट राइट हां सर Equation of straight line whose slope is m and y intercept c. y is equal to mx plus c. सबको पता है? No. Yes. इसे प्रूव हुआ नहीं पता सर. Yes. सिर्फ फॉर्मूला मालूम है सर. फॉर्मूला मालूम है. ठीक है प्रूव करो. Equation of straight line whose slope is m and y intercept c. सर ये तो काइनेमेटिक्स में करते थे सर ऐसे एक लाइन बनाई जिसका ऊपर से थोड़ा यू ले लिया तो इंटरसेप्ट सी दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट राइट यस सर इट इज गिवन ये इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव ठीक है इंटरसेप्ट डज नॉट मीन्स लेंथ तो आपका इंटरसेप्ट नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव होगा सपोज जैसे लाइन आ गया तो इंटरसेप्ट आपका नीचे आ गया तो सी वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा स्लोप दिया गया मतलब tan theta दिया tan theta what is the theta tan theta angle made by line tan inverse angle made by positive x axis हाँ तो आपके पास tan theta is equal to m given okay और ये आपका given इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको चाहिए तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कहीं पे एक वेरिएबल पॉइंट रखना पड़ेगा x कमा y में तो ये लाइन के ऊपर समवेयर टेक वन वेरिएबल पॉइंट p ये पॉइंट मूव करता रहता है
यहाँ पे फिक्स नहीं, ठीक है। सपोज मैंने रखूंगा फिक्स पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन, तो वो फिक्स होता है, वो कभी मूव नहीं करेगा। ये पॉइंट आप इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहीं पे भी रखो, बट ये लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, यस सर। आपका वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट कितना होगा? जीरो कॉमा सी। जीरो कॉमा सी, इधर का पॉइंट कितना हो जाएगा? जीरो कॉमा सी। ये पॉइंट आपको मिल गया जीरो कॉमा। अब क्या करोगे, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू द एक्स एक्सिस, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? व्हाट अबाउट एबी डिस्टेंस? बराबर। हाँ सर, हाँ सर। तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी, व्हाट इज द टेन थीटा? y माइनस c बाय l x बाय x इज इक्वल टू m। टेन थीटा इक्वल टू m ना? हाँ सर। so, y इक्वल टू m x प्लस आ गया। तो y माइनस c इज इक्वल टू m x, तो y इज इक्वल टू m x प्लस c मिला? यस सर। तो एवरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आपको x एंड y रहेगा, विदाउट x एंड y का कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है, बट विदाउट x एंड y आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं मिलेगा। लीनियर ऑफ x एंड y होना चाहिए। समझा? हाँ सर। सर एक मिनट, सर लिखने दो। क्या होगा इधर? क्या लिखा है वाई इक्वल टू सी? क्या लिखा है इधर? लैम्बडा कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट ना। वाई इक्वल टू सी क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों वो ओरिजिन पर पास करेगा? m इक्वल टू सी ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस टू ओरिजिन जब स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू x। स्ट्रेट लाइन जब ओरिजिन पर पास कर जाता है तो आपका c क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू mx। सर y इक्वल्स टू mx हो जाएगा ना? जीरो, क्योंकि c आपका जीरो हो गया। आपका y इंटरसेप्ट गया ही नहीं,
व्हेन स्ट्रेट लाइन पासेस टू ओरिजिन आपका y इंटरसेप्ट बना ही नहीं, y इंटरसेप्ट बिकम 0, y नहीं ना y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट मतलब c 0, तो c के जगह 0 डाल दो तो क्या मिलेगा, y equal to m straight line passes mx. to origin y equal to mx slope intercept whose slope is m is y equal to mx. mx actually in this case aapka passes to origin jab hota hai aapka c equal to 0 ho jata hai. theek hai yes sir. to any straight line passes to origin hum usko likhenge y equal to mx different m different straight line aapko milta jayega. ठीक है, ओरिजिन पर तो आपको इनफिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, दोज पासेस टू ओरिजिन, बट सबका अलग अलग स्लोप होगा, सेम स्लोप नहीं होगा. Equation of straight line passes through point x1 comma y1 and slope m. Sir, y1 equal to m x1 plus c. क्या होता है? Y is equal to m x plus y1. Y1 equals to. वैसा होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Y1 is equal to m x1 plus c. हाँ sir. Y1 equal to m x plus c. mx1 mx1 plus c. तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सा बना? इसमें स्ट्रेट लाइन कहां से आया? ये तो सब कांस्टेंट हो गया. सर y1 minus y is equal to x minus x1 m plus c. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट योर स्ट्रेट लाइन, ये आपका कांस्टेंट. सपोज मैं बताऊंगा ये पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, तो आप लिखोगे 3 इज इक्वल टू स्लोप लेट अस टेक यस 4 और c की वैल्यू 5 इनटू 2 प्लस c. क्या मिलेगा ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? नहीं सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, वो वाला फार्मूला सर. सर y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 m प्लस c. हाँ 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 कुछ भी बोलते हैं सर. इसमें ना सर किसी एक जन ने सर बोला ना और सब उनको लगा क्या राइट, सर वो लोग ना उसको मॉडिफाई कर करके बोलने लगे. जस्ट ने राइट बोला वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस सी. अरे सी कहाँ से आ गया? आएगा इसमें. अच्छा हाँ सी क्वेश्चन में सी है क्या? सर को भी गुस्सा दिला दिया. क्वेश्चन में जो दिया गया जाएगा, आप इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एम एंड सी दिया गया था. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप इज एम सी, तो आपका आंसर में एम एंड सी रहा. इसमें एम दिया गया था, एम रहा आपका क्वेश्चन में एक्स वन वाई वन एंड एम, आप सी को जबरदस्त ला रहे हो. तो एक बार फिक्स वाला एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से. बताओ कैसे हुआ? बता दो भाई कोई और सर गुस्सा हो गए. बताओ सर, x1 y1 को ओरिजिन कंसीडर करना आज जबरदस्ती सर रेफरेंस पॉइंट रहेगा तो इजी हो जाएगा ना. क्यों रेफरेंस करेंगे सर? स्लोप y हर स्ट्रेट लाइन को आप बोल रहे हो कि जितने दुनिया का स्ट्रेट लाइन सब ओरिजिन पर पास करेगा? नहीं नहीं सर, इन द सेंस कि एक रेफरेंस पॉइंट से देख लेंगे तो उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकता है, फिर हम लोग अपना ओरिजिन स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा. हां ऐसे हो सकता है. इक्वेशन कैसे पता चलेगा और रेफरेंस में? सर हम लोग x कमा y के रेफरेंस में तो कर रहे हैं सर. वैसे सर हमें इधर सी के हम लोग ने खाली हमने
y1 कंसीडर करती है तो जो c वो लोग बोल रखा था स्लोप y1 - y2 / x1 - x2 होगा ना यस yes. सर वो y1 - ये लाइन के ऊपर सर आगे हम यार यू हैव टू टेक x1 y1 दैट इज योर फिक्स्ड पॉइंट वो लाइन के ऊपर है जो पॉइंट को आप कहीं पे भी चेंज कर नहीं पाओगे ठीक है लेट अस टेक दिस पॉइंट इज द ए हुज कोऑर्डिनेट इज द x1 y1 ये कभी चेंज नहीं होगा हां सर अभी इसके ऊपर के ऊपर लगा और कहीं पे एक पॉइंट रखो p जो मूविंग पॉइंट व्हेनेवर आई एम राइटिंग p दैट इज योर मूविंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट ओके इसको रखेंगे एक्स कमा वाई एक्स कमा वाई द मूविंग पॉइंट वो पॉइंट इधर हो सकता है इधर हो सकता है इधर कहीं पे भी हो सकता है कि ए के ऊपर भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो पी पॉइंट आपका मूविंग पॉइंट व्हेयरएज ए इज द फिक्स पॉइंट आप इसको कहीं पे भी मूव कर नहीं पाओगे क्योंकि सपोज टू कमा थ्री वो बाई नेचर इट इज फिक्स पॉइंट आप टू कमा थ्री को कहीं पे रख नहीं पाओगे कोऑर्डिनेट मतलब जब कोऑर्डिनेट प्लेन करोगे 2,3 का वैल्यू एक जगह होता है हाँ. तो इसको आप चेंज कर नहीं पाओगे ठीक है यस सर तो ए पॉइंट इज द फिक्स पॉइंट व्हेयर एज पी पॉइंट इज द मूविंग पॉइंट एंड क्वेश्चन दिया गया कि ये लाइन का स्लोप m दिया गया इसका मतलब ये जितना एंगल कर रहा है उसका tan थीटा इज द m स्लोप हां सर हो गया सर ओके tan थीटा इक्वल टू m स्लोप गिवन Right? सर अभी तो सर वो tan थीटा हर बार जब हम लोग करते हैं y - y1 x - x1 यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो यहां से करो जॉइन कर दो a से इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करो इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करो हो गया सर व्हाट इज दिस डिस्टेंस y - y1 y - y1 ओ x - x नहीं ऑलरेडी ये चीज हम कर चुके थे ap का स्लोप स्लोप ऑफ AP, AP same as slope of the line. हाँ sir. Line का slope जितना होगा AP का slope उतना होगा. हाँ sir. What is the slope of AP? Y minus y one upon x minus x. Y minus y one upon x minus x one. Equal to m. हो गया. M हो गया. हाँ sir. Directly हो गया. Then y minus y one is equal to m into x minus x one. और आप ये से भी लिख सकते हो. Sir at the end तो वही आते हैं. ठीक है यस सर तो हम लोग ने खाली स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला पुट कर दिया हां एम से इक्वेट कर अच्छा यूजिंग एनी टू पॉइंट यू कैन ड्रा वन स्ट्रेट लाइन यस आपको दो पॉइंट दिया जाएगा तो आप स्ट्रेट लाइन तो पास करा मतलब ड्रा कर सकते हो ना हां सर तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू points x1 y1 and x2 y2 is kya hua to pehle to m ke formula se slope nikalenge to fir wohi equation of straight line ha sir wo y2 minus y1 is equals to m x1 nahi tan theta ka tan theta jab do point diya gaya aapka slope mil jayega ha sir y2 minus y1 upon iska matlab aap seedha seedha bol sakte ho this straight line passes through point x1 comma y1 and mere paas bhi slope bhi hai do point ke hisab se mere paas slope hai wohi sir x y2 minus y1 to ho gaya na sir y2 minus y1 upon x minus x1 m ki jagah kya likhoge tan theta अरे ये अरे नहीं सर क्यों डालोगे हां एंड द स्लोप ऑफ एम के जगह क्या डालोगे ये स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हां सर y2 - y1 y2 - y1 यस तो आपका इक्वेशन वही आएगा वन पॉइंट जैसा आएगा बट इसमें क्या दिया गया एक पॉइंट के साथ एक स्लोप दिया गया इसमें दो पॉइंट दिया गया दो पॉइंट से आपको स्लोप मिल जाता है तो इसलिए स्लोप नहीं दिया गया ठीक है तो आपका इक्वेशन होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस
y1 upon x2 minus x1 बराबर यस सर समझो और यू कैन राइट y minus y1 इज इक्वल टू स्लोप स्लोप के जगह जो हमारा फॉर्मूला क्या था y minus y1 इज इक्वल टू m into x minus x1 m के जगह चेंज कर दो y2 minus y1 upon x2 minus x1 ये आपका नॉन वैल्यू m into x minus x1 यस सर सर तो फिर हम लोग जो आज सुबह को एक सम कर रहे थे तो उसमें आपने बोला स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हां हमने एक पॉइंट दिया था हमें एक पॉइंट दिया तो उससे भी हो सकता है ना हां स्लोप हम रखे थे ना स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ AP और AP रखे थे ना हां सर दो स्लोप पॉइंट करके हम लोग तो वही एक नोन के साथ जाएंगे एक अननोन ये देखो ए साइड में आप अननोन के साथ जा रहे हो हां सर ए साइड में नोन के साथ जो ये पूछा था शिखर ने पूछा था ना हां तो सर उसमें एक साइड का हमें मीडियन मालूम था और एक साइड का मीडियन तो यहां पे अननोन एक साइड में अननोन के साथ जा रहे x एंड y ए साइड में पूरा नोन x1 y1 x2 y2 सब कुछ नोन आपका इधर यस ठीक है नेक्स्ट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म अच्छा ये मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूँ इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म ये जो थर्ड वन वाला ठीक है क्योंकि इसमें स्लोप दिया गया था y इंटरसेप्ट दिया गया था फिफ्थ वन इज द स्लोप पॉइंट फॉर मतलब आपको एक पॉइंट दिया गया एक स्लोप दिया गया स्लोप पॉइंट फॉर इसको बोलते हैं नेक्स्ट वन टू पॉइंट फॉर मतलब आपको दो पॉइंट दिया जाए नेक्स्ट वन इज द इंटरसेप्ट फॉर सर फोर्थ वाले का कौन सा था नाम फोर्थ का नहीं था अच्छा नहीं फोर्थ तो ओरिजिन पर पास किया था फोर्थ इसलिए मैंने नहीं लिखा हां सर ठीक एक्चुअली फोर्थ इज द सब सब पार्ट ऑफ थर्ड वन वाई इंटरसेप्ट आपका जीरो हो गया ठीक है नेक्स्ट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब दोनों इंटरसेप्ट दिया जाएगा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी इज x by a plus y by b is equal to 1 or you can call it x upon x intercept plus y upon y intercept is equal to 1 ye prove karo kaise mila equation of straight line which x intercept a and y intercept b diya gaya सर इसमें तो मूविंग पॉइंट ले ना x और y हां x एंड y ऑलवेज मूविंग पॉइंट होता है x एंड y वो वेरिएबल होता है विदाउट वेरिएबल आपका इक्वेशन नहीं बनता है कोई इक्वेशन आप बता सकते हो विदाउट x में नहीं whether it is quadratic equation linear equation cubic equation नहीं सर बता सकते हो क्या विदाउट x में नहीं हां तो विदाउट x एंड y में आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है जो आपका अननोन होता है मतलब वेरिएबल होता है वो चेंज होता रहता है कुछ भी हो सकता है
आपका एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया गया? लेट दिस कंसीडर दिस पॉइंट एज ए दिस पॉइंट एज बी, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए कॉमा जीरो, सो दैट ए इंटरसेप्ट आपको ए मिलेगा। बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? जीरो कॉमा जीरो। अब इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट दे दिया? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट से पहले क्या दे दिया? स्लोप, स्लोप सर, स्लोप 2.4, स्लोप 2.4। कहां पे स्लोप 2 पॉइंट लिखा हुआ है? 2 पॉइंट, सिंपल 2 पॉइंट्स मतलब आपका स्लोप ही उधर से मिलता है, फिर स्लोप क्यों बोलोगे? अच्छा, 2 पॉइंट्स पर 2 पॉइंट में पास कर दिया, योर स्ट्रेट लाइन पासेस टू 2 पॉइंट्स and these two are fixed point, ये दो fixed point पर वो pass कर रहा है, ये दो point change नहीं हो रहा है, ठीक है ना? मतलब x intercept में suppose minus 7 दूंगा, तो आपका point तो fix हो जाएगा ना इस side में, ठीक है ना? तो इसलिए ये this straight line passes through 2 points a and b, तो इसका formula क्या होता है? y minus y one, इसको x one y one, इसको x two y two मान रहा हूँ। y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 y1 upon x2 minus x1 मतलब 0 minus a, हां सर इतना तो हो गया, which is minus b by a, right? हां सर, तो b को a साइड में डिवाइड करो, मतलब ये दो को इंटरचेंज कर दो, तो क्या मिलेगा? y by b should be equal to x by a minus minus y by b is equal to minus of x minus a upon a. हाँ सर, right? हाँ सर, implies y by b is equal to minus x by a plus a by a. सर मिलेगा? आ गया y by b. हाँ सर, y by b plus x. सर मैंने उल्टा direction. तो नहीं, कोई भी direction रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, मैंने तो एकदम गलत किया था। नहीं सर, मैंने तो उल्टा। आपका कोई भी, आप लाइन को ऐसे रखो कि ऐसे रखो, फर्क कुछ भी पड़े नहीं पड़ेगा। आप इधर मतलब a कमा जीरो तो ये रखना पड़ेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट, बट लाइन आप कैसे भी ड्रा करो, ऐसे ड्रा करो कि ऐसे ड्रा करो, इधर ड्रा करो, कहीं पे भी ड्रा करो। सर कितने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस है? देखते जाओ, समझाइए। हाँ सर। यस सर।
और एक होता है नॉर्मल फॉर्म. क्या फॉर्म? नो अच्छा लिख रहा यस सर. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose normal drawn from origin to given line is P. पहले मैं normal format लिख देता हूँ. अच्छा ठीक है. And if normal makes an angle theta with respect to positive x-axis, then then equation will be x cos theta plus y sin theta. ये एक मिनट थोड़ा ऑर्डर में रख. फर्स्ट दो लाइन मत लिखा. हेयर पी द लेंथ ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन एंड थीटा विद एंगल मेड बाय normal with ठीक है. ये कर दो. Equation of normal form is x cos theta plus y sin theta is equal to p, where p is the length of normal drawn from origin to given line and theta with the angle made by normal with positive x. ठीक है. और मिला किसी को? नहीं तो इसके बारे में आप सोच के आप नेक्स्ट टाइम मुझे बताओगे. मेरा अभी क्लास है. ओके यहाँ पे रखता हूँ. नेक्स्ट टाइम इधर से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. तीन चैप्टर से. ओके सर. होमवर्क नहीं असाइनमेंट हुआ ना? हाँ सर असाइनमेंट. हाँ सर ग्रुप में डालोगे सर? आप सेंड कर रहे हो? यस सर ग्रुप में डाल दूंगा. थैंक यू सर. ओके सर. थैंक यू वेरी मच. चलो बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. Bye sir. Thank you sir. Bye. Thank you sir.